नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, माल्यार्पण किया। साथ में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे, कई अन्य नेता भी मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बना ली। इस राजकीय समारोह में नीतीश कुमार ने मीडिया से तो दूरी बना ही ली, जब माल्यार्पण कर रहे थे उस वक्त मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया। मतलब ये जो स्थल है, जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और ये जो ग्रिल देख रहे हैं जिसके अंदर ये पूरा प्रांगण है, इस प्रांगण के बाहर ही मीडिया को रोक दिया गया और अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और तमाम नेता थे, तेजस्वी यादव थे, लेकिन मीडिया बाहर थी। और बाहर जो ये सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क पर एनसीसी का पैरेड चल रहा था और मीडिया जो है वो यहाँ पर उसे रोक दिया गया था। मीडिया को अलाउ नहीं था कि वो एनसीसी को भी कवर कर पाए पैरेड को, और ना अलाउ था कि वो अंदर जा पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर थे, तेजस्वी यादव अंदर थे, राजकीय समारोह चल रहा था। मैं आपको फिर से बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है और जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह मनाया जाता है, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान पहुँचे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तेजस्वी यादव भी साथ में थे, तमाम बिहार सरकार में मंत्री और महागठबंधन के नेता मौजूद रहे, लेकिन मीडिया से दूरी बना ली नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने। और जो घमासान है जदयू के अंदर, जो घमासान देखने को मिल रही है महागठबंधन के अंदर, उस घमासान पर मुख्यमंत्री शायद बोलना नहीं चाहते हो, चुप्पी तोड़ना नहीं चाहते हो, इसलिए शायद मुख्यमंत्री मीडिया से दूरी बना रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहता है कि मुख्यमंत्री की चुप्पी कब टूटती है, क्योंकि जदयू में घमासान है, जदयू के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और आरोप लगाते हैं पार्टी के ऊपर कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं और वो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। इसलिए लंबे अरसे से जो लोग जदयू में थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम में कदम मिलाकर काम कर रहे थे, वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जो घमासान है जदयू में, जो घमासान है बिहार की सियासत में, उस घमासान के बीच जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुँचते हैं उनकी जयंती के अवसर पर और मीडिया से दूरी बना लेते हैं, तो और अब आगे बिहार की सियासत और देश की सियासत किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। यादव, यहाँ के मारूफ रस्म के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण करने के लिए पधार रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। सामने चढ़ जाएगा सर। माननीय राज्यपाल अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं मुहिब-ए-गिरामी वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला मंडल माल्यार्पण कर रही हैं। माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग श्री रत्नेश सदा माल्यार्पण कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति भी अकेब बात दिग्रह कर्मानुसार जंजीर गुलामी का तेरे दम से ही टूटा, टकराया जो भी तुमसे अपनी जान से छूटा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।